ये एक रिएक्शन वीडियो है इरफान जनेजो की वीडियो अनसब्सक्राइब का। मैं बहुत खुश हुआ कि कोई बंदा आगे निकला। ही सेट हिज हार्ट आउट। उसने मतलब इतने बड़े लेवल पे जब आप होते हो और आपके इतने सब्सक्राइबर्स होते हैं, आपके इतनी फ़ैन फॉलोइंग होते हैं, तो आप कहते हो कि आपको एक डर लगता है कि कहीं आप हीरो से ज़ीरो ना हो जाएं। ही स्पोक हिज हार्ट आउट। मैं बहुत सारी पोस्ट फेसबुक पे करता था और फिर मैं उस पोस्ट को डिलीट कर देता था सिर्फ इस चीज़ के बारे में कि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। ये जो मेंटालिटी रखने वाले लोग हैं, ये मेरे कहीं ख़िलाफ़ ना हो जाएं या ये मुझे मतलब रिएक्शन शो ना कर दें। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बहुत डर लगता था इस चीज़ से। तो मैं कहता था कि नहीं यार, इनको किसी का दिमाग ख़राब होगा और वो मेरी एक जगह पे प्रोफाइल शेयर कर देगा और आगे आपके पता है कि यार क्या होना था मेरा। मैं उसको टोटली सपोर्ट करता हूँ इरफान जुनेजो के, जो भी इरफान जुनेजो ने स्टैंड लिया। ही सेड, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग एक और पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, ठीक है। अगर मुझे आपके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करना है, आपने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को अगर नहीं सुनना चाहते तो अपने कान बंद कर लें। आप मेरी वीडियो ना देखें, आप मेरी पोस्ट ना देखें, ठीक है। जब आपकी पोस्ट पे कोई और रिएक्ट नहीं कर रहा तो आप भी उसकी पोस्ट पे रिएक्ट ना करें। दूसरी बात यह है, हर एक का हक है एहतजाज करना, लेकिन किसी की गाड़ी जलाना, किसी की गरीब बंदे की रेड़ी को लूटना, ये मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि जिस टाइम मैंने ये चीज़ देखी है, तो जिस टाइम वो चीज़ मैंने देखी है, उस बच्चे के रिएक्शंस देखे हैं, चाहे वो फेक है चाहे वो ओरिजिनल है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वो ओरिजिनल है, उसके दिल पे क्या गुजरी होगी? वो एक केलो की जो रेड़ी है, उसके वो 5-7-8 हज़ार 10 हज़ार जो उसका नुकसान हुआ, उसने कमाए कैसे होंगे? मतलब आप इस चीज़ के ऊपर सोचें। फिर अगर किसको मेरी बात पसंद नहीं आती, वो मेरी वीडियो ना देखे। अगर आप यही तरीका अपनाएंगे, वॉयलेंस का तरीका अपनाएंगे, आप डिफेमिंग का तरीका अपनाएंगे, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्री नहीं करता, आप उसको धमकियां देंगे, तो ये चीज़ अब बंद होनी चाहिए। अब ये चीज़ नहीं हो सकती। तो सिंपल सा तरीका है, आप फाइट करें लीगली। क्या पता आपका पॉइंट वैलिड हो, ठीक है। क्या पता आप कोर्ट रिव्यू पिटिशन आप फाइल कर रहे हैं, दैट वर्क फॉर यू, तो कुछ भी हो सकता है। तो बजाय ये कि आप तोड़फोड़ करें, लोगों की प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाएं, मैं ये नहीं कर सकता बर्दाश्त, और मैं बोलूँगा आइंदा इसकी चीज़ के बारे में।